नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। आपके साथ मैं हूं अंशु। चलिए खबरों का रुख करते हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में जयारोग्य अस्पताल में इलाज के दौरान लूट की वारदात में घायल वृद्ध महिला की मौत हो गई। वारदात भितरवार क्षेत्र में हुई थी, जिसके आरोपी को पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर धर दबोचा था। भितरवार थाने की SI सुमित्रा इक्का के अनुसार, भितरवार में एक वृद्ध महिला प्रेम बाई के साथ बदमाश ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। इस वारदात में बदमाश ने प्रेम बाई पर हमला कर उससे सोने का मंगलसूत्र, कान के बाले व नाक की नथ लूट ली थी। इस हमले में प्रेम बाई के सिर व गर्दन में गंभीर चोट आई थी, जिन्हें इलाज के लिए जयारोग्य अस्पताल में भर्ती कराया गया था। गुरुवार को प्रेम बाई ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इससे पहले वारदात के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने लूट कांड के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। प्रेम बाई की मौत के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर विवेचना शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश ग्वालियर से वेंकटेश्वर भार्गव की रिपोर्ट। एक वृद्ध महिला थी, उसके साथ लूटपाट हो गई थी, तो गर्दन में और सिर में चोट थी। उसका इलाज चल रहा था 4 दिन से, आज खत्म हो गई। क्या नाम है महिला की? प्रेम बाई। कितने की लूट हुई थी? उसमें उसके मंगलसूत्र, सोने के और कान के और नाक की लौंग गई थी। जो लूटेरा था वो पकड़ा गया अभी तक? हाँ। क्या नाम है उसका? नाम तो पुराने अपराध भी उसके हैं? नहीं नहीं, कोई अपराध नहीं है। अपना परिचय? मैं SI सुमित्रा तिग्गा, थाना भितरवार से।